नमस्कार, छत्तीसगढ़ समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। रायपुर से बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन ने नामांकन कर दिया है। राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों ने किया नामांकन। नामांकन के दौरान सीएम बघेल और मोहन मरकाम मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस मौके पर मौजूद रहे। नामांकन के दौरान मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। नामांकन के आखिरी दिन दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। राज्यसभा नामांकन से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई है। मुख्यमंत्री निवास में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में मंत्री और विधायक शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के दोनों राज्यसभा उम्मीदवार छत्तीसगढ़ से दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। रंजीत रंजन जो कि पूर्व लोकसभा सांसद रही है और साथ ही बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव की पत्नी है, तो साथ ही राजीव शुक्ला जो कि कांग्रेस पार्टी में दिग्गज नेता हैं, प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं और अब वो राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से। ये जो नामांकन की प्रक्रिया हुई है, इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और साथ ही कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक, मंत्री, कैबिनेट के, भूपेश सरकार के वहां पर मौजूद रहे। नामांकन से पहले विधायकों की बैठक भी हुई। विधायक और मंत्रियों की इस बैठक में दोनों ही नामों पर विधायक जो है वो प्रस्तावक बने। नामांकन के दौरान विधायक और मंत्री भी मौजूद रहे। कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन के बाद सीएम भूपेश बघेल ने अब क्या कुछ कहा है वो दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा से सदस्यों को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होना है। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी श्री राजीव शुक्ला जी, श्रीमती रंजीत रंजन जी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा और 3 सेट में नामांकन हुए। हमारे विधायक सब प्रस्तावक के रूप में उपस्थित थे। चूंकि कांग्रेस के यहाँ 71 की बहुमत है और अब 3 बजे तक के नामांकन का समय, अभी तक के तो और दूसरा नामांकन आया नहीं है, लेकिन जो निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया है उसका पालन करना है। 3 बजे तक के कोई नामांकन आता है तब चुनाव की स्थिति होगी, अन्यथा अनपोज की स्थिति बन रही है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, वो ये कहते हुए नजर आए कि फिलहाल अभी कोई नामांकन भी आया नहीं है। 3 बजे तक नामांकन। देखिए, अगर हर व्यक्ति डरता रहेगा और आज सिर्फ लीडरान की क्या बात करे, विपक्ष की क्या बात करे, सारी एजेंसी, सारे मजबूत स्तंभ को ऐसा महसूस होता है कि सबको या तो दबाव में खरीदा गया या तो खरीदा गया, उन्हीं की बोली बोल रहा है। लेकिन अगर आप डर और भय से और सत्ता के ना मिलने और उस भय से अगर आप छोड़ देते हैं जो विपक्ष का कर्तव्य है, तो देश को आप किसी के भी हाथ बेच सकते हैं। तो सब लोग वैसे नहीं होते हैं जो सरेंडर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये नामांकन दाखिल कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों की तरफ से और उससे पहले ये बैठक भी हुई विधायकों की, मंत्रियों की, और जिसमें दोनों ही नामों पर ये प्रस्तावक विधायक बने। पीएल पुनिया जो कि प्रभारी है वो भी मौजूद इस मौके पर रहे। कांग्रेस उम्मीदवारों ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। सीएम बघेल और मोहन मरकाम जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद रहे। तमाम मंत्री और विधायक भी राज्य सरकार के इस मौके पर रहे। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिया है और फिलहाल जो जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से दी गई, जो निर्वाचन आयोग की तरफ से भी दी गई कि अभी फिलहाल किसी भी अन्य नाम, किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। 3 बजे तक का वक्त है। अगर नामांकन दाखिल किसी अन्य उम्मीदवार की तरफ से नहीं किया जाता तो निर्विरोध दोनों चुन लिए जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहां पर स्पष्ट बहुमत में है, 71 का आंकड़ा है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आने वाली नहीं है। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का करीब करीब तय है राज्यसभा जाना।
राजीव शुक्ला जो कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं, प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं और साथ ही आईपीएल की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर रही। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश सिधा इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है? जी हाँ बिल्कुल, और नामांकन की प्रक्रिया जो है वो ख़त्म हो गई है और कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा उम्मीदवार रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दरअसल जो निर्वाचन नामांकन कार्यालय बनाया गया था, जो विधानसभा के मुख्य सचिव हैं उनके कार्यालय में ये दोनों ही कैंडिडेट पहुँचे और दो दो नामांकन जो है वो यहाँ पर दाखिल करते हुए इन्होंने अपनी प्रक्रिया सम्पन्न की है। इसके नामांकन दाखिले के दौरान कांग्रेस पार्टी से अगर देखा जाए तो लगभग 40 से ज़्यादा विधायक यहाँ पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं मोहन मरकाम और कई आला मंत्री जो हैं वो इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने आए थे। विधानसभा अध्यक्ष जो हैं चरणदास महंत वो अपने अपने ही केबिन में बैठे रहे, हालांकि उनका इस नामांकन की प्रक्रिया में कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोल रहता है वो है रिटर्निंग ऑफिसर का और रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में विधानसभा के जो सचिव हैं उनकी अगुवाई में यहाँ पर ये नामांकन दाखिल यहाँ पर किया गया है। और नामांकन दाखिले के बाद दोनों ही कैंडिडेट्स जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के मुद्दों को प्रमुखता से उच्च सदन में उठाने की बात कही है और कई तरह की ऐसी बातें हैं जो अभी भी छत्तीसगढ़ के लिए कम है, जो केंद्र सरकार से जो मांग है वो इन सांसदों के माध्यम से यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार करेगी, ऐसा भी आश्वासन उन्होंने दिया है। फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है और जो कैंडिडेट हैं राज्यसभा के रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला वो अपना नामांकन दाखिल कराने के बाद हालांकि अभी भी वो विधानसभा परिसर में ही मौजूद है, विधानसभा अध्यक्ष के केबिन में बैठकर उनसे मेल मुलाकात कर रहे हैं। अंकुश, जाहिर सी बात है किसी और ने इस मौके पर नामांकन नहीं किया होगा और अगर नामांकन नहीं किया तो निर्विरोध चुन लिए गए जाएंगे दोनों के दोनों। देखिए, इस पूरी राज्यसभा के नामांकन के बाद जो जो दावेदारी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहती है संख्या बल। संख्या बल कांग्रेस पार्टी के पास पर्याप्त है, 71 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं और जिस तरीके से प्रस्तावकों की लगातार बात चल रही थी तो 40 प्रस्तावक यानी 20-20 प्रस्तावक दोनों ही कैंडिडेट्स को मिले हैं, तो स्पष्ट तौर पर ये पूरी केवल महज औपचारिकता चल रही है। और अगर संख्या बल के आधार पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स जिनको आलाकमान ने नाम घोषित किया है वो जैसे ही नाम घोषणा हुई थी उसके बाद से ही माना जा रहा था कि ये दोनों ही राज्यसभा सदस्य बन चुके हैं और देश की सर्वोच्च सदन में अपनी भागीदारी वो दर्ज कराएंगे। फिलहाल अब केवल कुछ फॉर्मेलिटीज जो है उनको कहा जा सकता है कि नामांकन दाखिल करना, फिर उसके बाद चुनावी प्रक्रिया होना, 10 जून को जो है चुनाव होना है और 10 जून को इनका नाम जो है नाम पहले से ही फाइनल है, बस औपचारिकता जो है वो चल रही है। ठीक, अंकुश आप लगातार बने रहिए हमारे साथ क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब दोनों ही उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और राज्यसभा जाना तय है, कहीं ना कहीं 10 तारीख को चुनाव है और उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा।